मैडम मैडम वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी है। कहा? वहां पे आइए दिखा रहा हूँ। आई आई अरे ये तो औरत है स्वाति। स्वाति कोई आईडी प्रूफ मिला? नहीं सर, पूरी बॉडी चेक की लेकिन कुछ नहीं मिला। सर समझ नहीं आ रहा, आदमी के कपड़े पहने और मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है। पॉसिबल है कि ये खुद को छुपाने के लिए इसने ऐसा किया हो, या फिर कातिल से बचने के लिए। सर ये भी तो हो सकता है कि ये ट्रांसजेंडर हो। हाँ हो सकता है गुप्ता, पोस्टमार्टम के बाद सब पता चल ही जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि कातिल नहीं चाहता कि इसकी पहचान हो। एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो और पता करो कि इसके खिलाफ कोई भी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज हुई है पिछले एक हफ्ते में। यस सर। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। जहां बाहरी रूप से दुनिया अपनी रफ्तार से भागती हुई दिखाई देती है, वहीं भीतरी रूप से इंसान हमेशा से अपनी पहचान, अपने वजूद की तलाश में रहा है। असफलताओं से डरता सफल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, अंधभक्ति अंधविश्वास कर्मकांड सब आजमा रहा है। क्या पुलिस को मिली ये लाश भी किसी अंधभक्ति अंधविश्वास की देन थी, या फिर इसका सच कुछ और था? क्योंकि अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो आदमी था या औरत या फिर ट्रांसजेंडर, और वो इस हालात और इस दोहरे पहनावे में क्यों थी। स्नेह को गए आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। बच्चा नहीं है वो, यहाँ भी होगा, अपना ख्याल रख सकता है। माँ मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रीति बेटा बेटा होता है, लड़का जो कर सकता है ना लड़कियां नहीं कर सकती। क्या तुम जैसा बेटा वो थी वैसा बेटा मैं भी तो बन सकती हूँ ना। थी नहीं था, वो तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारा भाई है। चले है बेटा बन रहे, दाल में कितना नमक डाला वो तो आता नहीं है, और चले है बेटा बन रहे। क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? हाँ नहीं मिली ना, नहीं मिली ना अभी तक। मुझे 24 घंटे कोसते से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप खुद हो और उसकी भी, बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो चीज आपने की है ना उसके साथ, आपको यहाँ नहीं जेल में होनी चाहिए। प्रीति मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि वो इस नरक में कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए। प्रीति हेलो रोहित सर, कचरे में जो मैं बॉडी मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो एक लड़की की है, और मर्डर से पहले कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप भी नहीं हुआ। लेकिन सर रिपोर्ट में एक नई बात सामने आई है, यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस 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 आराम से आराम से आराम से। नहीं रो नहीं, रो नहीं 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 इसको ले आराम से। क्या उसके साथ इस हद तक की दरिंदगी की गई? जी सर, और डॉक्टर के मुताबिक ये सब उसके साथ तब हुआ होगा जब उसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी। सर शायद ये मर्डर का कारण ना हो, पर इतना पक्का है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ होगा। क्या शायद यही मर्डर का कारण हो? कुछ पता चला कौन है ये? कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, कपड़ों से भी पता करने की कोशिश की पर कोई बारकोड नहीं मिला, लोकल ब्रांड है, पता करना मुश्किल है। इसके पास फोन जरूर होगा, इसका फोटो सारी फोन कंपनीज में भेजो और डिटेल पता करो। जी सर। अंगद तेरे लिए ऑमलेट बनाऊं या हाफ फ्राई? पापा आपको पता तो है मुझे हाफ फ्राई नहीं पसंद। पता है, लेकिन तुझे चिढ़ाने में ना मुझे बड़ा मजा आता, शक्ल देख अपनी। अच्छा पापा वो स्कूल वाले ना हमको ट्रिप पे लेके जा रहे महाबलेश्वर। अच्छा तो थोड़े पैसे मिलेंगे? बेटा जिस हिसाब से तेरे स्कूल वाले छुट्टियां देते हैं ना, उल्टा उन्हें मुझे पैसे देने चाहिए। मतलब आप पैसे नहीं देंगे? ठीक है फिर नहीं जाता। अरे यार 2 मिनट में मुंह फुला लेता, मजाक कर रहा था। अलमारी में रखे पैसे, जितने चाहिए ले ले। लेकिन कब जा रहे हो तुम लोग? कल सुबह सर।
सर आपका फोन कंपनी वाला आइडिया सक्सेसफुल रहा। लड़की का नाम स्नेह यादव था, मुलुंड एरिया का है। ये देखिए सिम कार्ड की कॉपी। स्नेह यादव मुलुंड, देखते हमारे कितने सवालों के जवाब हमें यहाँ मिलते हैं। परसों शाम तक आ जाऊंगा। हाँ सुनो, एक तो अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। ठीक है, बाय बाय। बाय। क्या हुआ साहब? आप स्नेह के माता पिता हैं? जी, पर ये क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? स्नेह का किसी ने मर्डर कर दिया है। देखा, मैंने कहा था ना, कितना कहा था, मेरा बेटा, मेरा स्नेह मुसीबत में, आप जाइए पुलिस को बताइए। देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। स्नेह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़का नहीं लड़की थी, और लड़की ही पैदा हुई थी, जबकि आप तो उसे बेटी नहीं बेटा कह रही हैं। क्योंकि साहब हमारे लिए वो बेटा ही थी, हमारे गुरुजी की इच्छा थी कि हम उसे बेटी नहीं बेटा माने और एक बेटे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा कर। आज मैं दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और सब्जी भी। तुम्हें सब्जी पसंद है ना? आज मैं तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। और आपके गुरुजी की ऐसी इच्छा क्यों थी? क्योंकि वो स्नेह का भला चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि स्नेह उसके पिछले जन्म में लड़का था और अकस्मात मृत्यु की वजह से वो उस जन्म के काम पूरे नहीं कर पाया था ना, इसलिए इस जन्म में उसे लड़का बनकर ही वो सारे काम पूरे करने होंगे। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह से हमें भविष्य में संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फिर हुई पुत्र प्राप्ति? नहीं, उसके बाद उसकी बहन प्रीति पैदा हुई। प्रीति कहाँ इस वक्त? वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। स्नेह की बॉडी जब हमें मिली तब उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, जबकि आप तो उसे अपना बेटा कह रही। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं साहब, ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। देखिए ना ये क्या हो रहा है, सब ये क्या बोल रहे हैं? यही क्या, माँ बाप नहीं हैवान। अरे जिसे भगवान ने लड़की बनाया उसे जबरदस्ती लड़का बना रहे थे तुम। कितने साल की थी जब उसका ऑपरेशन करवाया? तब 8 साल की थी। हो जाएगा, आराम से। तुम लोग जिसे जबरदस्ती बेटा बनाने की कोशिश कर रहे थे उसने बिना बताए शादी कर, इसलिए उसका मर्डर कर दिया है ना? इंस्पेक्टर साहब मैं तो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता, मैं मर्डर करूंगा? स्नेह कुछ काम करती थी, कोई नौकरी वगैरह? हाँ सर, वो स्पीड अप कुरियर कंपनी में काम करता था। ये था करना बंद करो, समझे? आखिरी बार कब देखी थी वो? 5 दिन पहले। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे स्नेह ऐसे लड़का होकर लड़कियों की तरह रो रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दोस्तों के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी। अगले दिन सुबह वो मुझे बोलकर निकली कि वो 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। पर साहब आपको पक्का यकीन है कि उसने शादी कर ली थी? पक्का तो नहीं, पर मंगलसूत्र और सिंदूर देखकर तो यही लगता है। प्रीति वापस आ जाए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना क्वेश्चनिंग के लिए, और हाँ जरूरत पड़ी तो हम फिर से आएंगे। स्नेह जाधव पिछले 1 साल से हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहा है, बहुत ही मेहनती और ईमानदारी लड़का है, पर पता नहीं पिछले 5 दिनों से कहाँ गया है, वे ऑफिस ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले स्नेह लड़का नहीं लड़की है, और उसका मर्डर हो चुका है, और उसकी लाश नवी मुंबई से मिली। क्या आप मुझे बता सकते कि वो नवी मुंबई क्यों गई थी? वहां की कोई डिलीवरी थी? मैं चेक करके बता दूं। नहीं सर, अभी मुंबई की कोई डिलीवरी नहीं है। तो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या ऑफिस में किसी के साथ कोई अनबन? जहां तक मेरी जानकारी ऐसा कुछ नहीं था सर। हाँ पर हमारे ऑफिस में 2 डिलीवरी बॉय थे, रोहित कदम और सोनू कदम, दोनों कजिन्स हैं। उनसे काफी अच्छी दोस्ती थी स्नेह की, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। बुलाइए उन्हें।
नहीं सर, अभी वो यहाँ पर नहीं है। मैंने 2 हफ्ते पहले दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया था। ये दोनों पार्सल तुमने डिलीवर किए थे ना, उसमें फोन थे जिसके बदले कस्टमर को बर्तन साफ करने की साबुन मिली। अरे दांत क्या दिखा रहे हो? फोन कहाँ है बताओ? सर थोड़ा तमीज में, या दिन रात इसलिए मेहनत नहीं करते कि आप हम पे चोरी का इल्जाम लगाओगे। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये कंपनी का झोल है। कंपनी का झोल है? कंपनी का झोल है? पहले 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय मेरी कंपनी पे उंगली उठाएगा, मुझे तो नहीं सिखाएगा। साले मेरे घर में अपने हाथ डालेगा तू? पकड़ लेता हूँ तुझे। तुम इशारा से जा, सुनो तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, कुछ बोलना। सर रोहित ने कुछ नहीं किया है सर। दोनों के दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो। मैं चल, तू क्या निकालेगा, तेरी कंपनी को लात मारता हूँ, भाग। चल चल चल। उसके 2 दिन बाद तक तो उसने ऑफिस आता रहा और फिर वो भी गायब हो गया। फिर उसके 2 दिन बाद सोनू मुझसे मिलने आया और वो बोला कि सर फोन बदलने का आइडिया मेरा नहीं था, रोहित का था। आप चाहो तो उसे पुलिस में दे दो, मैं सच बोलने के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन मुझे वापस नौकरी पर रख लीजिए सर। सर ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो सर मैं भूखों मर जाऊंगा सर। एक बात बता, तू अपने भाई के खिलाफ गवाही देगा? हाँ सर दूंगा सर, जो गलत है वो गलत है। तो मतलब सोनू अब भी यही काम करता है? बुलाइए उसे। सर वो अभी डिलीवरी करने के लिए गया है। ठीक है, वो वापस आ जाए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना। यस सर। एक रूम चाहिए था सर। आपकी फैमिली कहाँ है? फैमिली तो साथ नहीं है सर। आपकी उम्र 18 साल से कम है और 18 साल से तो देखिए ना मैडम, देखिए चलता है आजकल ये सब है ना, और सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है। हेलो। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, पहुँच गया। हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है, हम सब दो साथ में ही है। हाँ खाना खा लूंगा पापा। हाँ ओके ओके बाय। ये रोहित अब तक फोन क्यों बंद करके बैठा है? सर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता सर कि मेरे किसी जानने वाले का मर्डर हो सकता है। अच्छा ये बात है, तो अब पता चल गया ना कि मर्डर हो सकता है। चल बता, अगर तूने मर्डर नहीं किया तो कौन कर सकता है? सर रोहित। सर रोहित कर सकता है। रोहित तेरा चचेरा भाई। एक बात बता, तू बचपन से ही सारे इल्जाम उस पर डालते आया है या नया शुरू किया है? तूने कुरियर कंपनी की नौकरी भी ऐसे ही वापस ली ना? नहीं सर, सर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मर्डर कर सकता है ये इल्जाम ही हुआ। वजह बता, उसने का मर्डर क्यों करेगा? चल 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 बोल। सर नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं और रोहित बहुत दुखी थे, तब इसने हमारा मूड ठीक करने के लिए हमें चाइनीज बाकड़ा ले गया। क्यों टेंशन ले रहा है? अरे चली गई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अभी तेरा भाई लेके आना तुम्हें मस्त जगह। चॉपर राइस ऑर्डर करूँ? नहीं खाना है चॉपर राइस तेरा। सारा तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, तुझे पता है ना, पूरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ। सारा तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। सोच अगर उसने पुलिस बुला ली होती तो। रो मत यार, बोला ना जरूरत थी पैसों की, और अगर उसे पुलिस बुलानी होती ना तो कब की बुला चुका होता। टेंशन मत ले, इससे बढ़िया नौकरी लेके दूंगा तेरे को। अरे यार मैं मैनेजर से बात करूंगा ना, वो तुमको फिर से बुला लेगा, और तुम्हारे बिना तो मैं वहां काम करने का सोच भी नहीं सकता। मतलब तुम दोनों के बिना? अरे यार मैं वहां काम करने जाऊं और तुम दोनों को वहां पे ना देखूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी नौकरी। एक काम कर, ये ले जा चॉपर राइस ऑर्डर कर। रोहित तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना। तेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बके जा रही है। तुझ में ऐसे कौन से लड़कियों जैसे लक्षण है जो मैं तुझसे शादी करूं?
लड़कियों जैसे, मतलब मैं लड़की हूँ रोहित। देख, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या है और तू भी जानती है कि तू क्या है, इसलिए फालतू के सपने देखना बंद कर दे। अरे सर, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता सर, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं उन दोनों में से किसी से नहीं मिला। रोहित से भी नहीं? नहीं सर, ना मिला ना बात हुई, ना उसने कभी मुझे कॉल किया। सर सच कहूँ तो मैं उससे मिलना चाहता भी नहीं, क्योंकि सर अगर उसे पता चला कि मैंने हाथ पर जोड़कर नौकरी वापस ले ली है तो सर वो मुझे जान से मार देगा सर। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ शहर से बाहर नहीं। जी सर। सर आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? अगर सभी लोग इतनी आसानी से सच बोलने लगे तो अपना काम आसान नहीं हो जाएगा? सर रोहित का फोन पिछले 4 दिनों से स्विच ऑफ है। कॉल लोकेशंस के मुताबिक रोहित और सोनू पिछले 7 दिनों से मुलुंड में ही है। सर दोनों भाइयों के बीच पिछले 7 दिनों में फोन पर कोई बात नहीं हुई। और से? सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बात एक पंडित से हुई। पंडित? बुलाओ उसे। ये लड़का कुछ भी बकवास किए जा रहा है, और आप चुपचाप खड़े क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? साहब आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि 15 जुलाई की शाम को 6:30 बजे स्नेह यादव का मर्डर हुआ, उससे पहले उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था। क्यों किया था फोन उसने? उसने मुझे फोन इसीलिए किया था क्योंकि उसे शादी करवानी थी। इस शहर में बाकी और भी पंडित हैं जो शादी ब्याह करवाते हैं, उसने तुम्हें ही क्यों फोन किया? और उसे नंबर कहाँ से मिला? अब साहब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि वो शादी कराने के लिए आने वाली थी पर आई नहीं, और वो अपनी नहीं अपनी बहन प्रीति की शादी कराने वाली थी। तू है कौन ये बकवास करने वाला कि तू मेरा बेटा है? हाँ लेकिन मेरे गाय का पापा, अगर दोबारा ये बकवास की ना तो पुलिस में दे दूंगा। पापा लेकिन मेरे जब सॉरी सर, मैं मानती हूं कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन स्नेह के अंतिम संस्कार की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों बहनों का रिश्ता कैसा था? उसमें बनती थी या? वैसे तो रिश्ता बहनों जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मेरे बाप ने उसे पाला पोसा, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि वो मेरा भाई था या मेरी बहन। यहाँ तक कि हर साल मेरी माँ ने मुझसे स्नेह को राखी तक बंधाई। मतलब स्नेह भी एक भाई की तरह तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझती थी, शायद इसलिए वो पंडित से तुम्हारी शादी करवाने की बात कर रही थी। शादी? सर मेरी शादी की कभी बात ही नहीं हुई, और वो ऐसा क्यों करेगी? प्रीति जी ये तो आप हमें बताएंगी, क्योंकि आपकी फैमिली में जो चल रहा था वो नॉर्मल नहीं था। सर मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। प्रीति जी कॉल रिकॉर्ड्स हैं आपके हमारे पास, हर दूसरा कॉल आपने रोहित को किया। इसका मतलब साफ है कि दोनों बहनें एक ही लड़की को पसंद करती थी, और इसीलिए तुमने स्नेह का मर्डर किया। मैंने कुछ नहीं किया है सर। तुम रोहित को कैसे जानती हो? देखो सच बोलो, ये तो हमारे पास और भी तरीके हैं। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने स्नेह को नहीं मारा है, रोहित और सोनू को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो उसके साथ काम करते थे और वो उसके दोस्त हैं, और मैं रोहित को सिर्फ इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि घर से जाते हुए स्नेह ने कुछ ऐसी बात कही थी जो मुझे आज तक नहीं समझ आई। सारी जिंदगी मैंने इस झूठ को सच मानकर बिता दी, कितना कुछ सहा है इस झूठ के वजह से, पर बस अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, जीऊंगी वो बनकर जो मैं हूं। सर मैं कुछ नहीं जानती, मेरा रोहित से कोई वास्ता नहीं है, स्नेह का फोन बंद आ रहा था इसलिए मैंने रोहित को कॉल किया, पर उसने कभी मेरा फोन उठाया ही नहीं।
और उसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तुम जा सकती हो। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप ही मेरे पापा हो और आपको भी बात पता है कि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते आप। वो तो गए तेरा नाटक। अब जो भी बात होगी तेरी फैमिली के सामने होगी। मेरी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। नहीं पापा, तेरे बाप से बात करूंगा किसकी औलाद है। चल नहीं रुको। अभी क्या हुआ? अभी हो गया सारा नाटक। चल उसके सामने बात करूंगा तेरे से। चल चल। सर ये देखिए, यही वो पार्सल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस पे केयर ऑफ स्नेह जाधव लिखा है और पार्सल प्रीति जाधव के नाम से। सर मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मैं नहीं जानती कि ये पार्सल किसने भेजा है। देखो प्रीति, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि ये पार्सल किसने भेजा और क्यों भेजा है। रात भर हवालात में रखो, सुबह तक सब सच बोले। सर आप मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूँ। गुप्ता, ज्वेलरी भेजने वाले का एड्रेस फेक है लेकिन ज्वेलर तो असली होगा ना। पता करो कि ये कहाँ से खरीदी गई है। इस केस में मिलता हर क्लू हमें डेड एंड पर लेकर आता है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? मेरा बेटा मर गया, उसका खून हो गया है और मेरी बेटी उसके भाई के ही खून के इल्जाम में जेल में। कुछ सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? हाय पापा। अरे ट्रिप में बहुत मजा आया, थोड़ा थक गया हूँ पापा, तो फ्रेश होके मिलता हूँ। हाँ दद जी। कहाँ गया था तू? महाबलेश्वर। बताया तो था आपको पापा, दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप थी ना, तो इसलिए। क्या हुआ पापा? झूठ बोल रहा है। नहीं, तेरे जाने के बाद तेरे दोस्त यहाँ घर पे तुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप नहीं था। झूठ बोल रहा है। एक मिनट। लेटर आया था पापा। इसलिए लेटर आया था। सॉरी पापा। मेरी एक तरफ जहां पुलिस नेहा जाधव की हत्या के मामले से उलझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक दोहरी हत्या का मामला भी आता है। इन दोनों को किसी धारदार चीज से मारा गया है और हो ना हो जिसने मर्डर किया है ये दोनों उसे बराबर जानते थे। दरवाजे पर कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। जब मर्डर से तब तुम कहाँ थे? साहब हम अपने घर पे थे। मैं यहाँ दिन में नौकरी करता हूँ, शाम को अपने घर चला जाता हूँ। पुलिस को प्रीति जाधव के खिलाफ कुछ नहीं मिला, इसलिए मजबूरन उन्हें उसे रिहा करना पड़ा। सुधीर चौहान और अंगद चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन खंगाली गई और आखिरकार अंगद की मोबाइल लोकेशन की मदद से उन्हें सूरत के उस होटल के बारे में पता चला जहां अंगद चौहान दो दिन तक रुका था। इस लड़की को देखा है यहाँ? मैडम ये लड़का यहाँ दो दिन रुका था और बकोली में 22 नंबर मकान के लिए पूछ रहा था। मैडम मैडम ये लड़का बेवकूफ है। एक दिन अचानक हमारे घर में आया और कहने लगा कि मेरे पति इसके पिता हैं। हमारी जिंदगी का तो सुकून छीन लिया इस लड़के ने। मैडम ये सब झूठ है।
मेरे पति तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आपकी शादी को कितने साल हुए? जी मैडम 5 साल। ये लड़का 16 साल का है और आपकी शादी को केवल 5 साल हुए। सर वो लड़का मेरे घर आया जरूर था सर, लेकिन वो झूठ बोल रहा था सर कि वो मेरा बेटा है। मैंने उसे समझाया सर, वो चला गया। वो चला गया या तूने उसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए? मैं क्यों मारूंगा उसे जब वो मेरा मेरा बेटा था ही नहीं। मेरे जैसे ना 36 लोग आते हैं यहाँ पे, चेहरा देखकर बोल सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। तो प्लीज छोड़िए सर, मैं बताता हूँ सब कुछ सच है सर। 14 साल पहले मेरा 2 साल का बेटा किडनैप हो गया था सर। किडनैपर ने 50 लाख मांगे, मैंने दे दिए सर। उन्होंने कहा कि वो मेरा बेटा एक मंदिर के पास छोड़ जाएंगे। मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा सर, लेकिन उन्होंने सर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दिया सर। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाता अगर तुम पुलिस के पास जाते तो? सर मैं बहुत घबरा गया था सर। इतना कि बच्चा और पैसा दोनों जाने के बावजूद तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, दूसरी शादी कर ली और फिर एक दिन वो बच्चा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और तुम डर गए और तुमने अपने हाथों से उसका खून कर दिया। सर नहीं मारा मैंने उसको सर, वो जब मेरे सामने आया तो मैं पहचान गया सर। सर इतने सालों में मैं मान चुका था कि वो वापस नहीं आएगा, यही मेरी किस्मत है। फिर कुछ सालों बाद उसकी माँ को हार्ट अटैक आया सर, वो भी गुजर गई। फिर मैंने सर दूसरी शादी की, मैंने मेरी दूसरी पत्नी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया सर, और अब मैं घबरा गया था कि अगर अब उसे पता चलेगा तो शायद मेरी गृहस्थी खराब ना हो जाए सर। और घर टूटने के डर से तूने सुधीर और अपने बेटे दोनों का मर्डर कर दिया। एक बात बता, ये सुधीर वही है ना जिसने तेरे बेटे को किडनैप किया था? सर सर मैं बताता हूँ सर। सर मैं उसका पीछा करते करते मुंबई आया जरूर था सर, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा सर तो मैंने एक आदमी को खून से सने हुए उसके घर से निकलते हुए देखा सर। कौन था वो आदमी? वो तो मुझे नहीं मालूम सर। रात भर बिठा के रखो, शायद सुबह तक उसकी शक्ल भी याद आ जाए। सर 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 सुनिए मेरी बात सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सुधीर चौहान और अंगद चौहान की हत्या में श्याम सिंह पुलिस के लिए अहम सस्पेक्ट था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए अनसुलझी पहेली बना स्नेह जादव मर्डर केस इससे किसी भी तरह से जुड़ा हो सकता है और एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जा सकता है। मुझे सुधीर चौहान अंगद चौहान के अतीत के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, शाम के भी पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ चेक कर। यस सर। सर प्रीति के नाम आए पार्सल में जो ज्वेलरी थी वो माटुंगा के श्याम ज्वेलर के यहाँ से खरीदी गई। उसने गहने पहचान लिए और गहने खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि रोहित ही है। फिर ये रोहित है कहाँ? ना रोहित हमें मिल रहा है, ना रोहित और प्रीति के बीच का कोई कनेक्शन, और वो अभी यही कह रही है कि उसके रोहित के बीच में कुछ भी नहीं। फिर ये रोहित ने ज्वेलरी खरीदी किसके लिए और फिर वो गायब क्यों हो गया? क्या गुप्ता कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई तीसरा है जो हमें जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? अपने खबरियों को काम पर लगाओ, जो किसी भी हाल में रोहित चाहिए। सर 20 साल पहले जिस डॉक्टर ने इलीगल तरीके से इसने का ऑपरेशन किया था वो ट्रैक हो गया, दादर जेल में पिछले 3 साल से सजा काट रहा है ऐसे इलीगल ऑपरेशन के चार्जेस में। जब हमने उससे बात की तो पता चला कि इसने का असली बाप विष्णु यादव नहीं है। तो कौन है? सुधीर चौहान। क्या? हाँ सर, और हमने सुधीर चौहान का कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। ये देखिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स, जब हमने चेक किए तो क्या नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल, मैं सोनू रोहित का भाई। मैं रोहित और इसने एक ही कंपनी में काम करते थे, इसने मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो मैं बस पूछने आया था कि पुलिस ने आप लोगों को कुछ बताया किसने मारा स्नेह को? नहीं। मेरी फैमिली रोहित को लेकर बहुत परेशान है, पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ गायब है। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं बस हालचाल पूछने आया था, मैं निकल ही रहा हूँ सर। आखिरकार हमने पता लगा ही दिया कि 15 साल पहले एक 8 साल की बच्ची के साथ गैर कानूनी ऑपरेशन किसने किया था और क्यों करवाया था, जिससे हमें यह भी पता लगा कि आपका एक नहीं
तीन तीन मर्डर के साथ वास्ता हो सकता है। स्नेह को अपने पिता के बारे में क्या पता था और आपका और सुधीर चव्हाण का क्या वास्ता था, यह आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि स्नेह के मर्डर के साथ सुधीर के मर्डर का भी कनेक्शन हो। सुधीर मर गया? अरे ये कितनी बार समझाया ये सब चीजें तेरे मतलब की नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता तुझे? उसने अपनी सगी बेटी के साथ जो किया ना, वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मेरी स्नेह सिर्फ 8 साल की थी, जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करवा दिया मुझे बिना बताए, ताकि वो कभी मां ना बन सके। मां तो क्या वो किसी के साथ? बस बस बस, कुछ नहीं, रो मत, हाँ अभी ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आराम से। बोला था कि अगली औलाद बेटा होगा, पर प्रीति पैदा हुई उसी दिन मुझे और मेरी बच्चियों को छोड़कर भाग गया। फिर क्या, लोगों के घर पे बर्तन मांजे, झाड़ू कटका किया और बच्चों को पाला। इनके यहाँ भी मैं झाड़ू कटका करने आती थी, पर जब इन्होंने शादी के लिए पूछा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी बच्चों के लिए। मैंने जब स्नेह की शादी की बात की तब आपने ये क्यों कहा कि अनर्थ हो जाएगा? आप ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। क्या मतलब था अनर्थ का? वो सदमे में निकल गया, ऐसा कोई सोच कर थोड़ी बोलता है। और देखिए, मैंने सुधीर के बारे में ये घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, और स्नेह को भी यही बताया था कि तू ऐसे ही पैदा हुई थी। आपको यकीन है कि स्नेह को सुधीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था? वो उसे कभी नहीं मिली थी? ये आप तो अब तक सुधीर के कांटेक्ट में थी, सबूत है हमारे पास। सर, सुधीर सवान की इंफॉर्मेशन निकालते वक्त उसके रिकॉर्ड्स हमारे पुलिस रिकॉर्ड से मैच हो गए। वो एक हिस्ट्री शीटर है, अपनी जवानी के दिनों में छोटे मोटे क्राइम्स कर एक बार नहीं कई बार जेल जा चुका है, और इन क्राइम्स में उसका एक पार्टनर भी था जो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अरे सर, मुझे ये यहाँ क्यों लगा रहा है? मैंने तो आपकी इतनी मदद की थी। पूरी मदद नहीं की थी, पूरा सच नहीं बोला था। जैसे कि स्नेह के बाप के साथ तूने ऐसा किया क्यों? कैसे मारा उसे? क्यों मारा उन दोनों को? तूने स्नेह को पहले इसलिए मार दिया ना ताकि तेरे प्लान के बारे में किसी को पता ना चले। मैंने स्नेह को नहीं मारा है सर। अबकी बार जरा सा भी झूठ बोला या कुछ भी छुपाया ना, मां कसम तुझे तोड़ के रख देंगे। गवाह है हमारे पास जिसने तुझे उस दिन भागते हुए देखा था। ये सुधीर के घर से मिले तेरे जूतों के निशान से यह साबित होता है कि दोनों मर्डर तूने ही किए। अब बता क्यों और कैसे? चव्हाण साला धोखेबाज निकला, बोला था जेल से बाहर आऊंगा तो मिलेगा मुझे, साले ने शक्ल भी नहीं दिखाई। रोहित, जब मैं जेल से बाहर आया तो तब वो गायब हो चुका था। फिर मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना और डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी, और अपनी मेहनत से मैं मैनेजर बना। तो चव्हाण को कभी भूल नहीं पाया मैं। फिर एक दिन स्नेह मेरे पास नौकरी के लिए आई, समझ गया था कि ये चव्हाण की बेटी है जिसका बचपन में उसने ऑपरेशन करवाया था, और उस वक्त मैं भी उसके साथ था। स्नेह नाम है तुम्हारा? यस सर। स्नेहा होना चाहिए था ना, तुम तो लड़की दिखती हो। सर वो मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज मुझसे अपने काम के सवाल पूछिए, मैं बहुत ही मन लगा के काम करूंगा और आपको मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने स्नेह को नौकरी पर रख लिया और पता लगा कि वो चव्हाण की बेटी है या नहीं,
मैं अपने एम्प्लॉय के डेटाबेस से उसकी माँ उमा का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, बस ये बताओ कि वो आजकल कहाँ है। मेरे हिसाब से तो झन्नुम में है। अरे भाड़ में जाए। देखो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ उसका एक फोन नंबर है, चाहिए तो लिख लो, 444-7279। चवन का नंबर तो मुझे मिल चुका था, पर मैं महीनों तक ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं उसके साथ आखिर करना क्या चाहता हूँ। एक बार तो लगा कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाऊँ, अपने काम से काम रखूँ, पर नहीं कर पाया। और फिर कुछ एक महीने पहले स्नेहा से बात की और उसे सब बता दिया। बेटा बात यह है कि तुम लड़की पैदा हुई थी ना कि लड़का। हमारे माता पिता चाहते थे कि उन्हें लड़का हो, लेकिन हुई लड़की, इसलिए उन्होंने अस्पताल ले जाकर के तुम्हारा ऑपरेशन करवाया और लड़की से लड़का बना दिया। मैं खुद तुम्हारे पापा के साथ उस वक्त था। माँ ने कहा कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ था, ना लड़की थी ना लड़का। माँ ने कहा अगर तू लड़का बन के रहेगा तो कम से कम लोग तेरी इज्जत तो करेंगे, पर ये सब झूठ था। इतना गलत किया उन्होंने मेरे साथ। बेटा अगर तू इस धोखे का बदला लेना चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, पर एक शर्त पे, कि तू अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी। सर आपका पार्सल। अरे अंगद जी बाबा, तुम्हारा पार्सल आया भाई। आया, साइन लो, ले लो, साइन कर लो, ले लो। अंगद ये तुम्हारा असली बाप नहीं है, तुम्हारा असली बाप सूरत में, उसका नाम श्याम सिंह है, नीचे उसका एड्रेस है सूरत का। अगर तुम्हें कोई शक है या कुछ पूछना हो तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन करो, 448-22-1212। चौहान बहुत चालाक आदमी था, मैं जानता था बहुत जल्दी उसे सब पता चल जाएगा और वो मुझ तक पहुँच जाएगा, तो मैं भी यही चाहता था। फिर उस रात जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं पूरी तैयारी के साथ उसके यहां पर पहुंचा। आजा, कुछ बात करनी है तुझसे। अंगद और स्नेह को किस बात की सजा दी? चल बता। मैं दो दो मर्डर कबूल कर लिए, मैंने तीसरे के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? कौन सी सजा कम हो जाएगी मेरी? सर ये कॉल रिकॉर्ड्स देखिए। सामने रहकर भी पुलिस को क्या घुमाया इसने, दाद देनी पड़ेगी। इसको उठा के लेके आओ। राइट सर। आजा। वजह से मैंने मेरा पहला पति खो दिया, लोगों की गालियां सुनी, क्या क्या नहीं सहा। अब इस बुढ़ापे में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरा दूसरा पति भी खो दूं और दर दर की ठोकरें खाऊं। मतलब ये कि जिस दिन वो निकली ना तब मैंने सब कुछ सुना था, प्रीति को क्या ज्ञान दे रही थी वो। सारी जिंदगी मैंने इस झूठ को सच मानकर बिता दी, कितना कुछ सहा इस झूठ के वजह से, पर बस अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, जीऊंगी वो बनकर जो मैं हूं। ये सब क्या बोल रहे हो? तुझे पता है वो आदमी जिसे मैं अपना बाप समझती थी, वो मुझे पैरों के मालिश के नाम पे क्या करवाता था? बताऊं मैं तुझे,
मुझे बताने में भी घिन आ रही है। पता है, सब पता है। आजा, थोड़ी मालिश ही कर दे। वैसे भी तू किसी और काम का तो है नहीं। तो अब तुम क्या करोगी? अब मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीऊंगी। तुझे रोहित पता है ना, मैंने तुझे मिलाया था उससे एक बार। मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि हम अलग होने वाले थे क्योंकि रोहित की फैमिली मुझे ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, पर अब रोहित भी प्यार करने लगा है मुझसे और वो मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ रहा है जो मेरा इलाज कर सके ताकि मैं आगे जाके माँ बन सकूँ। और वो मुझे डॉक्टर ही नहीं, पुलिस स्टेशन भी लेके जाने वाला है ताकि वो आदमी जिसे आज तक मैं अपना बाप समझती थी उसे अपने किए की सज़ा मिले। सिर्फ इसे ही नहीं, उसे भी जिसने मेरी ये हालत की है, जो बाप ज़बरदस्ती अपनी बेटी को बेटा बनाना चाहता था। पर अभी तुम कहाँ जा रही हो? मैं अभी नवी मुंबई जा रही हूँ। रोहित के किसी जान पहचान वाले का फ्लैट खाली है वहाँ पे। जब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे हम दोनों वहीं रहेंगे। ये देख, ये रोहित लाया है मेरे लिए और उसने मेरे लिए कुछ और सरप्राइज भी रखा है, पर वो पार्सल हमने तेरे नाम पे मंगाया है। मैंने अपने कंपनी के कुरियर वाले लड़के को बोल दिया है कि अगर तेरे नाम पे कोई पार्सल आए तो तुझे ही डिलीवर करे। फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने रोहित को काफ़ी बार कॉल किया लेकिन अचानक से वो भी गायब हो गया था। मुझे लगा कि ज़रूर मेरी माँ ने कुछ किया होगा, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ आपको कैसे बताती? मैंने माँ से पूछा भी था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे वो जो जगह है जहाँ पर टूटा फूटा सामान पड़ा होता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता, वहाँ अक्सर वहाँ जाया करती थी। मुझे शक हुआ तो मैं वहाँ देखने गई। तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ, पैसे मिलेंगे। देखो मैं उसका नंबर देती हूँ, वो नवी मुंबई में है। काम ठीक से होना चाहिए, खबर यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए, समझे? क्यों मिलना चाहते थे मुझसे और क्या जानते हो विष्णु जाधव के बारे में? बताता हूँ। मैडम मैडम, वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी है। स्नेहा जैसी किसी इंसान की कहानी सामने आती है तो तरक्की और आधुनिकता के मुंह पर कालिक पुज जाती है। उमा जाधव के पहले पति सुधीर चौहान का पुत्र के लिए मोह पहली दस्तक थी और दूसरी तब जब उसने स्नेहा को लड़का बनाने की कोशिश की। उमा ने यह दस्तक अनसुनी की थी और स्नेहा को अपनी जान देकर इस लापरवाही और उमा के स्वार्थी होने की कीमत चुकानी पड़ी। स्नेहा की इस कहानी से हर माँ बाप को सबक लेना चाहिए कि बच्चों को गुलाम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले रोबोट और तानाशाही चलाने की जागीर ना समझे। साथ ही स्नेहा की यह दर्दनाक कहानी हमें यह सीख भी देती है कि चाहे वो कोई भी हो, गैर वाजिब मांगे पूरी नहीं की जा सकती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।